हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आज के टॉपिक से आपको पता चल गया होगा, आज की जो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी इंडियन नर्सेज जो कि अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए यूके आना चाहती हैं, उनके फ्यूचर को काफ़ी हद तक ये जो वीडियो जिसमें मैं बताने जा रही हूँ कि क्या यूके में ओवरसीज रिक्रूटमेंट को लेना बंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये काफ़ी कुछ ओवरसीज नर्सेज के फ्यूचर को डिटेक्ट करता है, प्रिडिक्ट करता है। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ और प्लीज़ आखिर तक इसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो और इफ और बट्स जो भी आपके मन में लेकर है वो सारे के सारे मैं क्लियर कर पाऊं। तो अभी कुछ टाइम पहले ही एनएचएस ने अपना एनएचएस लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लान बनाया था, जो कि 15 इयर्स के लिए होता है। तो ऑलमोस्ट 2030 तक इनको अपना वो प्लान जो है इंप्लीमेंट करना है। तो क्या है उस वर्कफोर्स प्लान में और कैसे आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है, तो जरूर देखिए इसमें क्या क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूं। अब आप देखिए, सबसे पहले जो यूके है इसकी आधे से ज्यादा जो डिमांड है नर्सेज की, इतनी शॉर्टेज है यहां पर कि इंटरनेशनल नर्सेज ओवरसीज रिक्रूटमेंट जो ये करते हैं उसी से एनएचएस की पूरी डिमांड होती है। तो आई थिंक यूएसए के बाद यूके ही सेकंड ऐसा लार्जेस्ट कंट्री है जो कि इंटरनेशनल लेबर मार्केट से लेबर को लाता है अपने यहां पर और रिक्रूट करता है। तो अभी एनएचएस में मोस्टली यहां के लोग काफी हद तक एनएचएस को इस चीज के क्रिटिसाइज भी करते हैं कि सारी की सारी डिमांड आप इंटरनेशनल जो वर्कफोर्स है, लेबर है, वहां से लाके अपना आप काम निकलवा रहे हैं। तो इस चीज़ के लेके भी एनएचएस काफी क्रिटिसाइज हुआ था। इसी के मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने अपना एक 15 इयर्स का लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लान बनाया, जिसको जो एनएचएस का लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लान है इसमें इनकी मेनली तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ट्रेन, रिटेन एंड रिफॉर्म। तो इस चीज़ को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, ट्रेन, रिटेन और रिफॉर्म में बेसिकली ये करेंगे क्या। तो जो 2023 का एनएचएस लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लान है, इसने ये नोट किया कि जो यूके गवर्नमेंट है, जो एनएचएस है, वो पर्टिकुलरली रिलायंट है इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में एज कम्पेयर टू यूएसए एंड कैनेडा। तो अगर इनका जो 15 ईयर का लॉन्ग टर्म प्लान है अगर ये मीट हो जाता है तो एक मटेरियल डिक्रीज हो जाएगा इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट में अडल्ट नर्सेज के फ्रॉम 2030। तो 2030 से पहले ये एथिकल रिक्रूटमेंट जो अभी मैसिव अमाउंट में करंट लेवल पे चल रहा है वो चलता रहेगा। अभी एनएचएस का जो टारगेट है 50,000 एडिशनल नर्सेज को लेने का एनएचएस में बिफोर द एंड ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है यूके की, उसने बोला है कि वो एम कर रही है 51,000 से 57,000 इंटरनेशनल नर्सेज को लेने की बाय 2023 to 2024। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मैसिव रिक्रूटमेंट होने वाला है 2023 से 2024 तक, ताकि इनको जो है 51,000 से 57,000 तक की इनकी डिमांड जो है वो पूरी हो जाए। और आप देख सकते हैं कि 2021 और 22 में एनएमसी का जो रजिस्टर था ऑलमोस्ट हाफ, मतलब 48% जो जिन भी नर्सेज ने रजिस्टर कराया वो सारी की सारी ओवरसीज नर्सेज थी। अब ये बेनिफिट क्या होते हैं इनको इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ये क्यों लेते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल सेविंग इसमें मिलती है, टाइम कंज्यूमिंग कम है, फाइनेंशियल सेविंग हो जाती है एनएचएस को एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक ट्रेनिंग लेंथ एंड कॉस्ट। तो ये जितना अपने लोगों को ट्रेन करेंगे, जितना उसमें टाइम लगाएंगे, जितना पैसा लगाएंगे, उससे बढ़िया है कि इंटरनेशनल मार्केट से लेबर को लेंगे, ओवरसीज नर्सेज को रिक्रूट करेंगे। तो ये इनको बेनिफिट होता था पहले, लेकिन इस चीज़ को लेके कई लोगों ने आर्ग्यू भी किया है कि अगर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट आप इतना ले रहे हो तो ये क्विक फिक्स है, इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं है, ये तो आप क्विक फिक्स कर रहे हो कि आप इंटरनेशनल लेबर से मार्केट ला रहे हो और अपने यहाँ पे उसकी पूर्ति कर दे रहे हो। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, तो इसी के लिए एनएचएस ने अपना जो लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लान है वो दिया है, जिसमें इन्होंने बोला कि हम ट्रेनिंग, रिटेन और रिफॉर्म करेंगे अपने ही लोगों का। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो एनएचएस के वर्कफोर्स में एक पहला क्या है कि ट्रेन करना, ताकि ग्रो कर सकें वर्कफोर्स को। तो इसके लिए क्या करें, सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करेंगे डोमेस्टिक एजुकेशन को, ट्रेनिंग देंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे। तो इसके लिए ये लोग क्या करेंगे कि जितने भी इनके मेडिकल स्कूल्स, ट्रेनिंग प्लेसेस हैं उसको ये डबल कर देंगे, जिससे कि लोगों का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इन्होंने क्या बोला है कि टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ प्लेसेज अप टू 15,000 ईयर बाय 2031-32 विद मोर मेडिकल स्कूल प्लेसेज इन एरियाज विद द ग्रेटेस्ट शॉर्टेज टू लेवल अप ट्रेनिंग एंड हेल्प एड्रेस जियोग्राफिकली इनइक्विटी। तो इसके लिए ये ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्कूल खोलेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ट्रेनिंग ले सके। जीपी ट्रेनिंग को जो भी होती है ये उसको 50% इंक्रीज कर देंगे अप टू 6,000 बाय 2031-32। तो इसके लिए ये ऑब्वियसली बात है कि जितने ज़्यादा ये कॉलेजेस होंगे उतने ज़्यादा लोग ट्रेनिंग करके बाहर निकलेंगे, पास आउट होकर निकलेंगे, और उतनी इनकी फिर शॉर्टेज जो है उस पर्टिकुलर फील्ड में खत्म हो जाएगी।
और हम लोग जब यूके में आते हैं तो हम एज अ अडल्ट नर्स यहाँ पर आते हैं, तो अडल्ट नर्सिंग की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इन लोगों ने देखिए क्या स्टेप उठाया है। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इंक्रीज अडल्ट नर्सिंग ट्रेनिंग प्लेसेस बाय 92%, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस टू नियरली 38,000 बाय 2031-32। तो मतलब ये जितनी भी नर्सिंग अडल्ट नर्सिंग ट्रेनिंग प्लेसेस है उसको ये अप टू 38,000 तक लेके जाएंगे 2031-32 में। और इसके अलावा ये जो है अपनी अप्रेंटिसशिप को भी इंक्रीज करेंगे, जो इनकी अप्रेंटिसशिप मतलब ये इनकी हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ होता है ये उसी को ट्रेनिंग देके आगे नर्स की पोस्ट पे, इनको ट्रेनिंग देके नर्स की पोस्ट पे बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स बन जाती है। तो अभी फिलहाल इनका जो अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है वो 7% है बस, तो उसको ये 2031-32 तक 22% ले जाना चाहते हैं ताकि इनकी शॉर्टेज जो है कम हो सके उस पर्टिकुलर फील्ड में। उसी तरह ये लोग मेडिकल डिग्री अप्रेंटिसशिप्स को भी खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इनका एम है कि जितनी अभी है उससे मोर देन 850 बाय 2028-29 तक ये लोग मेडिकल डिग्री अप्रेंटिसशिप्स दें। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो एडल्ट नर्सिंग के अलावा कई ऐसे फील्ड है जिसमें कि शॉर्टेजेस है, जैसे डेंटिस्ट्री ट्रेनिंग हो गई, कम्युनिटी हेल्थ हो गया, नर्सिंग हो गई, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गई। तो उसके लिए भी इन लोगों ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं कि ये एक्सपैंड करेंगे डेंटिस्ट्री ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग के प्लेसेस को बाय 40%। और उसके अलावा इनका मेन एम क्या है कि ट्रेन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा NHS स्टाफ को डोमेस्टिकली। इससे क्या होगा कि ये लोग रिड्यूस कर सकते हैं अपने रिलायंस को इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट और एजेंसी स्टाफिंग को। तो 15 ईयर में इनका जो मेन एम है वो क्या है कि अभी जो इनका इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट है क्वार्टरली, उसको ये 15 ईयर्स के टाइम पे 9-10.5% ऑफ देयर वर्कफोर्स करें। सेकेंड जो गोल है NHS लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लान का वो है रिटेन करना अपने एम्प्लॉयज़ का। तो उसके लिए ये राइट कल्चर को इम्बीट करेंगे ताकि रिटेंशन इम्प्रूव हो सके। और इन लोगों ने काफ़ी कुछ हद तक कोशिश की है कि ये वेलबींग सपोर्ट प्रोग्राम खोले, अपने स्टाफ को फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर दे, अगर कोई वर्किंग पेरेंट है तो उनको भी ये फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर देने पे विचार कर रहे हैं। और जितने भी लोग रिटायर हो चुके हैं उनको वापस काम पे बुलाने के लिए ये लोग सोच रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके वो NHS में रिटेन रह सके। और जो थर्ड गोल है NHS लॉन्ग टर्म वर्कफोर्स प्लान का वो है रिफॉर्म करना, मतलब अपनी टेक्नोलॉजी को ये लोग इंक्रीज़ करने की सोच रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने की सोच रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल करें और जो इनकी वर्कफोर्स है उस पर वर्कलोड का कम से कम प्रेशर हो। टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं देख रहे हैं यूके में, इनफैक्ट मेरे थिएटर में भी रोबोट्स के थ्रू काफ़ी कुछ सर्जरीज होती हैं और हम लोगों को ट्रेन किया जा रहा है रोबोटिक सर्जरी में काम करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, NHS ने एक नींव रख दी है 15 साल की पूरे प्लान की कि किस तरीके से वो अपने यहीं के लोगों को ट्रेन करेंगे, डबल करेंगे सारे मेडिकल ट्रेनिंग प्लेसेस को, और किस तरीके से वो धीरे धीरे इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी है उसको कम करते जाएंगे। और इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए जो यूके गवर्नमेंट है उसने 2.4 बिलियन पाउंड्स जो है वो खर्च करने का भी सहमति दे दी है कि वो इतना खर्च करेंगे। तो मैं अब आपको एक नटशेल में अगर बात करूं तो अगर जिसको भी प्लानिंग करनी है यूके आने की वो आने वाले 5 साल में करे, क्योंकि अभी जो इनका शॉर्ट टर्म गोल है वो ये है कि ये लोग मैसिव रिक्रूटमेंट जैसे अभी चल रही है वो करते रहेंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे करके जो इनका टेकन जो इनको रिक्रूटमेंट लेना है ओवरसीज नर्सेस का, धीरे धीरे उसको ये 9-10.5% लेके आएंगे। तो अभी जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये लोग अपनी अच्छे से OET की प्रिपरेशन करें, क्योंकि अभी ये लोग बहुत ही मैसिव अमाउंट में रिक्रूटमेंट ले रहे हैं। आने वाले टाइम पे, आने वाले 5 साल के बाद, आने वाले 10-12 सालों में ये जो है रिक्रूटमेंट धीरे धीरे करके अपने जो भी रूल्स रेगुलेशंस है ओवरसीज रिक्रूटमेंट को लेके उसमें बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। हालांकि ये उसको पूरी तरीके से कम्प्लीटली बंद नहीं करेंगे, क्योंकि NHS ने बोला है कि जो ओवरसीज नर्सेज का रिक्रूटमेंट है आने वाले टाइम में, अभी जब इनके शॉर्ट टर्म गोल पूरे हो जाएंगे तो मीडियम और लॉन्ग टर्म में भी ये लोग इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को लेंगे, क्योंकि ये लोग अपने NHS में डाइवर्सिटी और टैलेंट को चाहते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट तो लेंगे ओवरसीज नर्सेज का, पर इस मैसिव अमाउंट में नहीं लेंगे। हो सकता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाए, बहुत ही ज्यादा रूल चेंज हो जाए। तो मैं आप सब लोगों को यही बोलूंगी कि जिन भी लोगों को अगर यूके आना है वो इन आने वाले 5 साल में कर ले, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म का गोल है मैसिव रिक्रूटमेंट करना, मीडियम और लॉन्ग टर्म में ये इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट को धीरे धीरे करके कम करना चाह रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आशा करती हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने सारे दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और चलते चलते मेरा गीता का ज्ञान कि कर्म करते रहिए नदी की तरह, कर्म करते रहिए नदी की तरह, मंजिल मिल जाएगी समुद्र की तरह। तो दोस्तों आप भी अपनी मंजिल को पाने के लिए कर्म करते रहिए, और हो सकता है कि ये जो 5 साल है इसमें आप यहाँ बैठे हों।